सब्सक्राइब करें गियरहेड चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गियरहेड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास है अशोक लीलैंड ट्रक है। ये कुछ 15-16 या 15-18 कुछ जिसका नंबर है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लिए। 25-16 कुछ नंबर है, इतना बड़ा इसका डाला है बड़े टायर से। तो चलिए अभी इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। कहाँ चल होता है गाड़ी ये? हाँ, पहला गेयर है ना, पहला वाला दो जैसा कि देख सकते हैं, गाड़ी में आवाज़ बहुत है, गियर भी बहुत हार्ड है, क्लच भी हार्ड है, सस्पेंशन तो आप भूल ही जाओ, बहुत जर्क है। 2006 का मॉडल है वैसे जो मैं चला रहा हूँ, ये बहुत पुराना मॉडल है। स्पीडोमीटर वगैरह कुछ काम भी नहीं करता गाड़ी का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका हैंडल है, जिसमें प्ले बहुत ज़्यादा है, उतना एक्यूरेसी नहीं मिलता आपको इसका स्टीयरिंग व्हील में। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये भी परफेक्ट सर्कल नहीं है, देख सकते हैं थोड़ा से बैंड टाइप का शेप में है। वैसे देख सकते हैं चलाने के लिए बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, आसानी हो जाता है देखने में। सो देख सकते हैं गाड़ी में जो व्यू है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, कमांडिंग व्यू मिलता है, क्योंकि ऐसे भी एक ट्रक है तो आप अच्छे खासे हाइट में बैठते हैं तो चलाने में कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। खासकर विजिबिलिटी की अगर बात करें तो अच्छा खासा व्यू मिल जाता है इस गाड़ी में आपको देखने के लिए। और हैंडल पहले ही बता दिया हूँ, अच्छा था नहीं, उसका जो शेप है थोड़ा से बैंड हो गया था, और हैंडल में जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले था इस गाड़ी के। ब्रेक्स भी उतने खास नहीं थे, इस गाड़ी का ब्रेक लग ही नहीं रहा था, बहुत ही ना के बराबर इस गाड़ी का ब्रेक था। और गियर बॉक्स की अगर बात करें तो गियर बॉक्स भी उतना स्मूथ बिल्कुल नहीं था, बहुत हार्ड था। और इस गाड़ी का जो थर्ड गियर है वो बहुत हार्ड था, अटक जा रहा था, कई बार रिवर्स आ जा रहा था इस गाड़ी का जो थर्ड गियर है वो। और क्लच भी बहुत हार्ड था इस गाड़ी का, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा था क्लच को दबाने के लिए इस गाड़ी का। और देख सकते हैं गाड़ी में जो वाइपर है वो भी उखड़ गया है, निकल चुका है। और इस गाड़ी का जो डोर है वो भी सिंपल सादा है, प्लेन डोर है, जैसा कि देख सकते हैं नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है उसमें भी। और विंडोज़ भी देख सकते हैं, बस अप डाउन टाइप का दिया हुआ है। और सेंटर में जो दोनों कांच है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, जहाँ से कांच को उठा देते हैं तो हवा जो है सेंटर से अंदर आ सकती है, तो उससे क्या है आसानी होता है, अगर आप कैबिन में कुछ लोग बैठे हैं तो हवा आने में आसानी हो जाती है। उसी बात करें चलाने में तो चलाने में बहुत मज़ा आया, ट्रक चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, पहली बार एक्सपीरियंस किया ट्रक चलाने का। जो ट्रक चला रहा हूँ उसके ना स्पीडोमीटर वर्क कर रहे हैं, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी चीज़ रखते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं इस गाड़ी के। ये अशोक लीलैंड का ट्रक है, 2006 का मॉडल है ये, और ये जितना मेरे को पता है जहाँ तक ये थर्ड हैंड गाड़ी है। और टायर वायर से ठीक थे इस गाड़ी के, सिंगल क्राउन है तो जो सबसे लास्ट में जो दो रो रहते हैं एक्सल के उसमें से जो सामने वाला रो रहता है उसी में बस क्राउन है, तो बस वही दो टायर्स जो है इस गाड़ी के घूमते हैं। तो जैसा ज़्यादा लोड रहा या अगर वेट रोड रहा जहाँ मैं हम लोग गए थे, तो जो आपको स्क्रीन पे मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, इस गाड़ी में जो लकड़ी लोड हुआ था उसको खाली करने के लिए गए थे, फ़ोटो में देख सकते हैं लकड़ी जो है इसको खाली करवा रहे थे, तो वहाँ एक ट्रक जो है ढस भी गया था, रिवर्स आ नहीं पा रहा था, तो उसको बहुत लोगों ने मिलकर धक्का मारा, फिर टायर के पास गिट्टी उट्टी डाला तो ले देके वो ट्रक जो है रिवर्स आ पाया। वैसे ट्रक का जो ग्रिपिंग है वो उतना खास नहीं है, पकड़ नहीं बना पाता, खासकर ऑफ रोडों पे या वेट रोड्स जो रहते हैं, गीले सड़कों पे 10 चक्के के जो गाड़ी रहते हैं उनका कुछ इस तरीके से ही रहता है, उतना अच्छा ग्रिपिंग नहीं रहता है गीले सड़कों पे, खासकर जो मिट्टी उट्टी रहते हैं, कीचड़ उचड़ रहते हैं वो रास्ते में उतना अच्छा ग्रिप नहीं मिलता है ये सब गाड़ियों का। वैसे स्टीयरिंग जो था वो पावर स्टीयरिंग था, सादे स्टीयरिंग नहीं था, तो उतना टर्निंग वर्निंग पे मोड़ने में उतना दिक्कत नहीं गया।
जो रियर व्यू मिरर्स थे गाड़ी में वो भी अच्छे बड़े थे, वाइट थे, तो पीछे साइड देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इजली जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छा था, आसानी से पीछे की ओर देख सकते हैं मिरर्स में। बस वही है टर्न करते टाइम आपको थोड़ा सा ये जो पिलर है सामने में देख सकते हैं राइट साइड में, वो पिलर्स आ जाते थे तो थोड़ा सा दिक्कत जाता था खासकर टर्निंग्स पे। बाकी रियर में जो आ रहे हैं वो लोग दिख जाते थे इस गाड़ी के जो मिरर्स थे उनके वाइड होने के कारण। म्यूज़िक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है गाड़ी में, ना ABS है, ना जो फीचर्स आते हैं आजकल के ट्रक्स में वो सब फीचर्स कुछ भी नहीं थे इस गाड़ी में। बिल्कुल प्लेन और सादा जो ट्रक रहता है वो ट्रक था, जैसा कि बोल सकते हैं जो देसी ट्रक बोलते हैं वो था। सो यही था आज का वीडियो। मैं जो गए थे कुछ काम से ट्रक का सामान खाली करवाने लकड़ी, तो मैं भी चल दिया था अपने फादर के साथ पापा के साथ। तो वापसी में जब गाड़ी खाली हो गया तो मेरे को भी मौका मिल गया ट्रक चलाने का, पहली बार एक्सपीरियंस किया। वैसे ओवरऑल बात किया जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पहली बार लाइफ में 10 चक्का जिसे बोलते हैं वो ट्रक मैंने चलाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थम्स अप दें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।